कभी अमृत वाणी, क्रोध गार अंगार, क्रोध जल निंदा धुआं होय, इन तीनों को परिहरे साधु कहावे सोई। अर्थात गाली अंगारे के समान है, क्रोध उस अंगारे से निकली आंच होती है और निंदा उस आग में से निकलते धुएं के समान है। जो व्यक्ति इन तीनों से दूर रहता है वही संत कहा जाता है। जगत माही धोखा गना, अहम क्रोध अरुकाल, पोरी ही पूछा मारिए ऐसा जम का जाल। अर्थात संसार में अहंकार, क्रोध तथा काल के कारण बहुत लोग धोखा खा जाते हैं। इसलिए जैसे ही ये सब मन में उत्पन्न होने लगे तुरंत उसे मार डालना चाहिए। क्रोध अग्नि घर घर बड़ी, जले सकल संसार, दीन लीन निज भक्ति जो तिनके निकट उबार। इस क्रोध रूपी अग्नि में पूरा संसार जल रहा है, कोई नर इससे बचा नहीं है। परंतु जो ध्यानी भक्त पुरुष अपनी भक्ति में मग्न है वह इनसे बहुत दूर है, अतः उनके पास जाने से ही क्रोध से बचा जा सकता है। यह जग कोठी काठ की, चहु दिशी लागी आग, भीतर रहे सो जली मुए साधु उबरे भाग। यह पूरा विश्व लकड़ी की काठी के समान है जिसके चारों तरफ क्रोध रूपी आग लगी हुई है। जो भी इसके अंदर रहेगा वह जल जाएगा तथा संत जन इससे भागकर अपनी भक्ति में लीन है और वे बचे हुए हैं। दसों दिशा से क्रोध की उठी अपर बल आग, शीतल संगत साधु की तहां उबर ही भाग। इस संसार में सर्वत्र दसों दिशाओं में क्रोध की भयंकर आग लगी हुई है, कहीं भी शीतलता नहीं है। केवल सतगुरु की संगति में ही शीतलता है, अतः उन्हीं की शरण में जाओ, वही तुम्हारा उद्धार होगा। कोटि कर्म लागे रहे एक क्रोध की लार, किया कराया सब गया जब आया अहंकार। अर्थात क्रोध के साथ और कई अच्छे बुरे कार्य जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब मन में घमंड आ जाता है तो सब किया कराया धर्म व्यर्थ हो जाता है। कबीर अमृत बाणी क्रोध।